भागलपुर पुलिस लाइन में मंगलवार को डीआईजी विवेकानंद ने द्वितीय चरण में प्राप्त हुई डायल 112 की कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको लेकर उप महानिरीक्षक विवेकानंद ने कहा कि आपातकालीन प्रक्रिया सहायता प्रणाली के तहत डायल 112 की सेवा आम लोगों के लिए उपलब्ध है। इसके तहत द्वितीय चरण में 28 गाड़ियां प्राप्त हुई हैं, जबकि 12 गाड़ियां पूर्व से प्राप्त थी। डीआईजी ने बताया कि बांका जिला को 21 व नवगछिया को 12, जबकि भागलपुर रेंज को डायल 112 की कुल 61 गाड़ियां प्राप्त हुई हैं और 19 गाड़ियां पहले से ही उपलब्ध थी। डीआईजी ने कहा कि अब रेंज के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सुदूर थाना क्षेत्रों में भी 112 की सेवा उपलब्ध हो सकेगी। कार्यक्रम के दौरान रेंज डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इधर रेंज डीआईजी ने कहा कि अक्सर आम लोगों की शिकायत होती थी कि पुलिस समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है, लेकिन अब ऐसी किसी भी स्थिति में डायल 112 पर सूचना या शिकायत मिलने पर पुलिस महज 20 मिनट में मौके पर पहुंच सकेगी, जिससे आम लोगों की सेवा और अपराध एवं अपराधियों पर लगाम लगाना संभव हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी आनंद कुमार के अलावा पुलिस प्रशासन के कई पदाधिकारी, पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मी एवं सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS परियोजना के तहत 112 की सेवा जो है नागरिकों को, आम नागरिकों को उपलब्ध है और इसके द्वितीय चरण में भागलपुर जिला को 28 गाड़ियां प्राप्त हुई है, जबकि 12 गाड़ियां पहले से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त बांका में 21 गाड़ी प्राप्त हुई है और 12 गाड़ी नवगछिया जिला को भी प्राप्त हुई है। पूरे रेंज में 61 गाड़ियां प्राप्त हुई हैं और 19 गाड़ियां पहले से उपलब्ध थी। इस तरह से अब हम पूरे रेंज के सभी दूरदराज थानों को भी 112 की सेवा उपलब्ध करा पाएंगे और इससे आम नागरिकों को सबसे बड़ी सुविधा यह उपलब्ध होगी कि पुलिस, फायर और चिकित्सा तीनों तरह की मदद उन्हें इस नंबर 112 नंबर डायल करने पर यह सुविधा उन्हें मिल पाएगी। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को शहर में चल रहे भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण किया। इसको लेकर सोमवार को ही जिलाधिकारी ने यातायात व्यवस्था की समस्या को देखते हुए निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद डीएम मंगलवार को निर्माणाधीन भोलानाथ पुल फ्लाईओवर निर्माण कार्य देखने पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं अभियंताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने फ्लाईओवर निर्माण कार्य एजेंसी के प्रतिनिधियों को पुल के समीप उबड़ खबड़ सड़क को 24 घंटे के अंदर समतल करने का निर्देश दिया, जिससे इस मार्ग पर आम लोगों के आवागमन में कोई कठिनाई न हो। इसके अलावा डीएम ने अभियंताओं से निर्माणाधीन पुल के पास एक अतिरिक्त सड़क निर्माण कराने को लेकर इसका आकलन करने को कहा। साथ ही निर्माणाधीन पुल के बगल में अतिरिक्त सड़क होने से इस मार्ग में आवागमन करने वालों को सुविधा होने की बात डीएम ने कही। इस दौरान डीएम ने कहा कि रेल पुल के ऊपर एक स्टील ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। साथ ही कहा कि वर्तमान में भोलानाथ पुल के आगे बाईं ओर से जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को अंडरपास से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। हालांकि स्टील ब्रिज निर्माण को लेकर एक ओर जहां कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक पहल बताया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। लोगों का कहना है कि आवागमन करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों को स्थायी राहत नहीं मिल सकेगी। बहरहाल जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी की इस पहल को लेकर शहर में चर्चा का माहौल गर्म है। भोलानाथ पुल के पास शहर में अक्सर जाम की समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों की मांग थी कि वहाँ जो अभी वर्तमान में पुल बन रहा है, उसके अतिरिक्त भी एक साइड में सड़क पे पुल होना चाहिए। उसी की फिजिबिलिटी को स्टडी करने मैं पूरी टीम को बुलाया था। तो एक इस मस्तुआ की जो रेलवे का पुल है, उसके ऊपर से एक ब्रिज डालना है, जो स्टील ब्रिज होगा। उसमें सीधा रास्ता ही संभव है। अभी जो एक लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को हम लोग अंडरपास से उसका कनेक्शन और कम्युनिकेशन मजबूत करेंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में सुविधा नहीं होगी। दूसरी, जो अभी निर्माण वर्क चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी अंडुलेशंस है, रोड का सतह काफ़ी ख़राब है। मैंने कहा है कि आज रात तक ही उस रोड की सतह को ठीक कर दे, ताकि लोगों का मूवमेंट काफ़ी आसान हो जाए और हम लोग काम भी बेहतर तरीके से कर सकें। जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ के बगल में रोड काफ़ी उबर खाबर है, जिसको हमने कहा है कि जो मशीन से उसको तुरंत ठीक करे, ताकि लोगों का मूवमेंट फास्ट हो सके और कहीं रुकावट नहीं।
भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में सोमवार को मीडिया प्रमाणीकरण सह अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने कहा कि आम चुनाव 2024 को लेकर जिले में सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक समेत मीडिया के सभी माध्यमों द्वारा प्रसारित एवं प्रकाशित होने वाले न्यूज पर निर्वाचन आयोग MCMC कमेटी और जिला प्रशासन की नजर रहेंगी, जबकि पेड न्यूज के साथ बिना अनुमति के किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में न्यूज प्रकाशित या प्रसारित करना कानून का उल्लंघन होगा। डीएम ने कहा कि किसी भी तरह के विज्ञापन चलाने या छापने के लिए MCMC से अनुमति लेनी होगी, जिसके संबंध में विज्ञापन या पेड न्यूज चलाया जाएगा उस प्रत्याशी और पार्टी के खर्चे में संबंधित राशि को जोड़ा जाएगा। विशेषकर किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में खबर को प्राथमिकता देते हुए किसी जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग या समाज में द्वेष फैलाने वाली खबर, जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा पहुँचने की संभावना हो, उससे सभी मीडिया संस्थानों को बचना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में बढ़ाकर खबर को प्रसारित करना पेड न्यूज माना जाएगा और नोटिस जारी करने के बाद संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निर्देशक नागेंद्र गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से राज्य स्तर पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन राज्य स्तरीय MCMC कमेटी से और जिला स्तर पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन जिला स्तरीय MCMC कमेटी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विहित प्रमाण पत्र में 3 से 4 दिन पूर्व आवेदन सहित प्रचार सामग्री के साथ मीडिया को संघ को उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों के अलावा आम नागरिकों एवं मीडिया से भी भरपूर सहयोग मिलने की अपेक्षा जताई। उन सभी चैनल्स या जो सभी न्यूज पे हम लोगों की नजर रहेगी, MCMC कमेटी उसको मॉनिटर करेगी और ये डिसाइड करेगी कि ये पेड न्यूज़ है या न्यूज़ है, और वो जो कमेटी डिसाइड करेगी वो डिसीज़न ऑलमोस्ट फाइनल रहेगा। उसके हिसाब से यदि पेड न्यूज़ है तो उसके खर्चे को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिक उनके कैंडिडेट के खाते में कमीशन हम लोग जोड़ेंगे। इसमें कुछ खास चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी भी कोई अफवाहें चल रही हो तो उसको सीधा प्रसारण नहीं किया जाए, कोई ऐसी बात हो जो विश्वास करने लायक नहीं है प्रचारण नहीं किया जाए। हमारे DPRO को हमारे कंट्रोल रूम में आप सूचित करें, उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि वो खबर सही, वो चीज़ सही है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर हम लोग यदि गलत चीज़ें होगी हम रिबटल भी करेंगे, सही चीज़ें होंगी हम आपको अप्रूव भी करेंगे कि ये तथ्य सही है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण मंगलवार को क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव घोरघट मजार पहुंचे, जहां राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, जिला पिछड़ा अध्यक्ष नट बिहारी मंडल सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला से भव्य स्वागत किया। इसके बाद पूर्व बांका सांसद ने गनगनिया, कमरगंज, मस्ती, जहांगीरा सहित अन्य इलाकों में जाकर महागठबंधन की सरकार बनाने की बात
लोगों से कही। वहीं जयप्रकाश नारायण यादव ने मीडिया को बताया कि रमजान का महीना आरंभ होने पर गोरगट मजार पर चादरपोशी करते हुए बांका लोकसभा क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कही। मौके पर राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अन्हार के रामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय रामकथा सब भागवत कथा में चंडीगढ़ से पधारे रामकथावाचक कुंदन जी महाराज ने प्रभु श्री राम के वन गमन और केवट प्रसंग को विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाते हुए कहा कि जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु यदि जीव का स्मरण ईश्वर स्वयं करे तो यह सच्ची भक्ति कहलाती है। कथावाचक ने कहा कि कभी लोग अगर अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाएंगे तो हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता का वास हो जाएगा। भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि ईश्वर आपको याद करे। वहीं वृंदावन धाम से पहुंचे श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित अंकित कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के 4th दिन प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा भक्तों को सुनाया। उन्होंने कहा कि जब जब इस वसुधरा पर धर्म की हानि हुई है तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण कर धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और अपने आनंद का रस पूरे संसार में बिखेरा है। रामकथा और भागवत के दौरान निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव नंदन सिंह पाटो, राम बहादुर सिंह, पंकज सिंह, चंदन सिंह, गौतम सिंह समेत आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर अपर नगर के श्रीरामपुर मैदान में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीत कुमार, वार्ड प्रतिनिधि प्रीतम कुमार, वार्ड पार्षद संतोष कुमार, राम प्रवेश यादव, पिंटू कुमार, सुनील पहलवान एवं अशोक यादव के द्वारा फीता काट कर किया गया। दंगल प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं नेपाल के पहलवानों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि बुधवार को दंगल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें पहलवान अपने दांव पैंच आजमाएंगे। प्रतियोगिता में विजेता पहलवानों को पुरस्कार एवं शील्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा। मौके पर दंगल प्रतियोगिता कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे।